लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालू साहब जो है वो जंगल राज के बादशाह थे, जंगल राज के आज नवयुवक जो है वो फिर से बिहार को जंगल राज में डुबोना चाहते हैं। बिहार में आकर के नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का नारा और राग अलापा तो लालू प्रसाद यादव ने भी नरेंद्र मोदी को पूरी औकात दिखाई दे दी। ऐसे में क्या कुछ खबर है, आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। चिराग पासवान ने लोकसभा के चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। ऐसे में उन्होंने लोकसभा के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज की। बड़ी खबर तो यह है कि बिहार में इस वक्त संपूर्ण शराबबंदी कानून लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। इसे खत्म करने का लगातार बात चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त तेजस्वी यादव को लेकर के आ रही है। तेजस्वी यादव ने लोकसभा के चुनाव में सबको तैयार रहने के बारे में कहा कि ईमानदारी से इस बार आपका वोट करना बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर और जानकारी सामने निकल कर के आ रही है कि आज नीतीश बाबू और इसके साथ ही साथ किस तरीके से तेजस्वी यादव आज एक दूसरे के लिए सामने आए, आइए विस्तार से देखेंगे। आज समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे कि ललन कुमार सिंह ने लोकसभा के चुनाव को लेकर के क्या नई खबर और जानकारी दी। बिहार में लगातार जी हां सोशल मीडिया पर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस का युद्ध चल रहा है। ऐसे में आपको यह भी खबर विस्तार से बताएंगे कि बिहार में और क्या नई जानकारी सामने आई। मुख्य तौर पर बड़ी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आज किस तरीके से जी हां शिवसेना और अनेक तमाम लोगों को बीजेपी मात देने में लगी हुई है। जीतन राम मांझी ने लोकसभा के चुनाव को लेकर के अपनी कैंडिडेटों को मजबूत कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद इस बार जी हां कुछ नया पैगाम और इतिहास रखेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बार इंडिया अलायंस को झटका देने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत बड़ी बातों को कहा है। सबसे बड़ी खबर और जानकारी सामने निकल कर के आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज कर दी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने बताया है कि किस तरीके से देश की जनता के लिए इस वक्त आज कांग्रेस एक रामबाण बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उड़ गई रातों की नींद। नरेंद्र मोदी को अब लग रहा है बड़ा झटका। नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ बात करेंगे कि बिहार में सरकारी डस्टबिन योजना में, कूड़ादानों की योजनाओं में किस तरीके से लगातार जिया घोटाले हुए कि ये योजना भी सुपर डुपर फ्लॉप रही। बात करेंगे अमित शाह के बड़े निर्णय से आज राजनीतिक में नया क्या भूचाल आया और किस तरीके से अमित शाह ने खुद को मजबूत किया है, खुद को प्रेजेंट किया है कि बिहार में राशन कार्ड धारकों का हालात आज कैसे हो रहा है और ऐसे में राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने सुनिश्चित कई योजना तैयार की है। बड़ी खबर यह है, बहुत बड़ी जानकारी भी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो सचिन पायलट बने हुए हैं। सचिन पायलट ने लोकसभा के चुनाव में अपनी सदस्यता को जिया बेहतर और उम्मीद के साथ एक नई शुरुआत को जिया मंजूर दिया है। और बड़ी खबर बिहार में घरेलू उड़ानों के लिए बिहार में बंद पड़े एयरपोर्टों को शुरू करने का बड़ा निर्णय राजनीतिक में लिया गया है, जिससे बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ी मौजूदगी है। ऐसे में इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि जीतन राम मांझी ने लोकसभा के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज कर दी है। मजबूती के साथ उन्होंने व्याख्या और जानकारी भी दी है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि बिहार में आगलगी की समस्याओं से जूझ रहा है लोग। ऐसे में दोस्तों जब भी मौसम में कड़ाके की गर्मी हो उस वक्त कभी भी कुछ भी आग लगाने से जरूर बचे। खेसारी लाल यादव ने आज जिया आरजेडी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आए। क्या लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए भी कुछ बड़ा निर्णय लेंगे? लेकिन सबसे बड़ा खबर तो ये जानकारी के साथ सामने आया। मुख्य तौर पर बिहार में जिया सरकार ने बड़ा योजना तैयार किया। सरकार ने बताया कि कैसे इस बार शिक्षा व्यवस्था पर संपूर्ण ध्यान देने का प्रयास किया गया है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है
कि देश में आज जो है वो एक बहुत बड़ी मजबूत ताकत बनकर उभर कर सामने आया है, और वो चीज़ है जी इंडियन रेलवे का रिकॉर्ड। इंडियन रेलवे ने एक नई खबर दी है, सबसे बड़ी जानकारी और मजबूती के साथ खबर आई है गौतम अडानी को लेकर के। गौतम अडानी ने इस बार अपनी व्याख्याओं को व्यक्त किया, बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात की। चैती छठ के पूजा को लेकर के इस वक्त जी तमाम त्यौहार करने वाले लोगों ने चैती छठ को लेकर के तैयारियां शुरू की है। ये बहुत बड़ा महापर्व होता है बिहार का। खबर, सबसे बड़ी जानकारी सामने निकल कर के आई है, और सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ी तैयारी की गई, लेकिन इसमें आज कहा जा रहा है कि बिहार के नेताओं ने संपूर्ण शराबबंदी कानून को अगर बंद करने का निर्णय लेते तो ज़्यादा बेहतर था। देश में आज संपूर्ण शराबबंदी के वजह से आज लोगों को चिंता का सामना करना पड़ रहा है, इस महंगाई के दौर में भी चिंता की स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। लगातार देश की जनता भी इस बढ़ती महंगाई में जो है वो बिहार में अधिकतम परेशान हो रही है, और इसको लेकर के खबरें सामने आ रही है। तो खबर यही है कि बिहार की जनता आज यहाँ शराबबंदी कानून को चालू करने का दिशा निर्देश पारित कराना चाहती है, पर सरकारें सुनने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। सरकार सिस्टम इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि इसको सुना जाए, आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में इस पर आज भी वैसी की वैसी चीज़ें फंसी हुई है, पेज फंसा हुआ है, कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा है। हालांकि अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बड़ी खबर तो तेजस्वी यादव हैं। लोकसभा के चुनाव को लेकर के तेजस्वी निकल चुके हैं मैदान में। तेजस्वी ने पिछले कई वर्षों से लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, हम देश की जनता से ये भरोसे और उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि अगर आप विश्वास रखते हैं तो विश्वास हम पर रखिए, हम इस बात को टूटने नहीं देंगे, हम इस बात को बेहतर तौर तरीकों से आपको ला करके आगे रखेंगे, हम नई क्रांति लाएंगे, हम नई चीज़ों को आधार बनाएंगे, हम देश की जनता के लिए एक बेहतर उम्मीद बनाएंगे, हम उम्मीद के साथ आज नए तौर तरीकों से आएंगे। तो राहुल से लेकर के तमाम जिया अपकुदादे के लोगों को कैसे आज मजबूत करते नज़र आ रहे हैं, कैसे वो अपकुदादे की खबरों को देते नज़र आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें और ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है। और ऐसे में लोकसभा के चुनाव में अब सरगर्मियां तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस बार कुछ तो नया हो रहा है, कुछ नया और बेहतर हो रहा है, ऐसे में उम्मीद कीजिए कुछ तो नया। समझ लीजिए कि क्या है पप्पू यादव की रणनीति। पप्पू यादव लोकसभा के चुनाव को लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, वह पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन पूर्णिया की जनता जी पप्पू यादव को खास तौर पर पसंद भी करती है। पूर्णिया के बच्चे बच्चे से वाकिफ खुद को बताने वाले पप्पू यादव ने बताया कि ये ज़रूरी है कि पूर्णिया मेरा मुझे मिले। बीजेपी ने और तमाम लोगों से लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि कोई एक ही उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस सीट को मुझे दे दिया गया वो सीट को तोहफे के तौर पर क्या बांटा गया, सवाल बहुत सारा है। मेरी विचारधारा उनसे मैच करती है, तब मैं उनके साथ शामिल हुआ था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि पीठ पीछे इतनी बड़ी गद्दारी कुछ लोग करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद लेने भी जाऊँगा, और ये भी स्पष्ट है कि मैं यह है कि आज एक बार फिर एक बहुत बड़ा प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया, और जी हां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को समर्थन में लाया गया। अखिलेश यादव ने इसी के बदौलत जो है कई सफलता हासिल कर ली है। अखिलेश यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव में उनके कैंडिडेटों के द्वारा दी जा रही जानकारी एक मजबूत जानकारी है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के लिए हमेशा से हम कुछ नया और मजबूत ताकत बने हैं। देश के लोगों को हम आज भी उम्मीद है कि कुछ नया देंगे। हमें और हमारे लोगों को देश की जनता समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और सपोर्ट जब मिल रहा है तो हम पीछे मुड़कर क्यों देखेंगे। हमारा विजिबिलिटी साफ है, हमारी छवि साफ है, हम लोगों ने बेहतर कुछ करने का निर्णय लिया है, और राजनीतिक में कुछ नया भूचाल भी इस बार आएगा, ये बातें साफ है, स्पष्ट है कि कुछ तो नया और बेहतर उमंग ताकत के साथ बेहतर उम्मीदें भी इस बार नया कहानी रचेगी, एक नया इतिहास बनाने का प्रयत्न किया।
सबसे बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव हैं, निशा भारती हैं। निशा भारती ने बताया कि पिताजी को हम पर भरोसा था, उन्होंने इस भरोसे के साथ हमें आज लाया। हम उम्मीद करते हैं कि जो भरोसे के साथ पिताजी ने इस सीट को दिया है, उस सीट पर हम जीत करके रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमेशा ताकत बने रहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ एक नया पंख लगाया गया है। लालू प्रसाद यादव 2024 को लेकर के तैयारियों को संपन्न करते नजर आ रहे हैं और एक एक बेहतर और बेहतरीन कोशिशों को करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां संपन्न करेंगे और कुछ नई तैयारियों के साथ, कुछ नई बातों के साथ इस बार निशा भारती और अनेक लोगों को वह अपना ताकत देते नजर आएंगे। हालांकि अपनी, आपकी क्या इसमें राय है, अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे आपकी बातों का। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कई बार से जो है वो लोगों ने याचिका दायर की, लोकसभा चुनाव में अविश्वास प्रस्ताव की स्थितियों को भी देखा गया, पर नीतीश बाबू ने बताया कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस पर कोई भी ऐसी बातें नहीं है जिस पर हम विचार करें। इस बार पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है, चुनाव पर आपको फोकस करना चाहिए। चुनाव बड़ा दिलचस्पी के साथ होगा, इस चुनाव में बड़े बड़े मजबूत ताकत भी होंगे, एक नई शुरुआत के साथ बेहतर उम्मीद भी होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो पारदर्शिता के साथ हो। जो चुनाव है वो पारदर्शिता के साथ हो रहा है, इसमें नो डाउट, लेकिन और भी इसे बेहतर करने के लिए जो सुरक्षित स्थान हो, जो सुरक्षित विचार हो, जो आधार हो, उस पर हम आगे मजबूती से कार्य कर सकें, ऐसी हम कोशिश करेंगे, ऐसी हम उम्मीद जताएंगे कि देश की जनता हम पर भरोसा जताए, हम पर उम्मीद जताए, हमारे साथ खड़ी रहे। उम्मीदों का एक शुरुआत के साथ बेहतर